क्रांति की बेटी कहते हैं लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बिटिया को, इसलिए नाम भी रखा था मीसा। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत लालू प्रसाद इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद किए गए थे। वो मीसा अब सियासी मैदान में उतर आई हैं। ये खबर तो आपको मिल ही चुकी होगी, मगर चुनावी सियासत में मीसा के उतरने का मतलब सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं। ये हो भी कैसे सकता है? अगर ऐसा होता तो जिस सीट पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनावी समर में उतरी है मीसा यादव, उसके लिए रामकृपाल यादव जैसे बरसों के भरोसेमंद साथी को यूं रूठ जाने नहीं देते लालू प्रसाद यादव। बात अब रूठने तक ही नहीं रुकी, बल्कि रामकृपाल यादव की तरफ से रार में बदल चुकी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ये साफ हो चुका है कि रामकृपाल पाटलिपुत्र से ही लड़ेंगे और कल की बिटिया सरीखी भतीजी को चुनावी टक्कर देंगे। रामकृपाल कहते हैं ये राजनीति है, यहाँ भावनाओं से काम नहीं चलता। चाहे वो लालू जी हो या अन्य कोई दूसरे नेता, वहां कार्यकर्ताओं की जगह परिवार को प्राथमिकता दी जाने लगी है। सामाजिक न्याय की जगह पारिवारिक न्याय को जो महत्व मिल रहा है पूरे बिहार में, घुटन महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता। मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता को पीड़ा हो रहा है। आरजेडी से रूठे रामकृपाल यादव तो ये कहकर अपनी भड़ास निकाल गए कि लालू जी सामाजिक न्याय नहीं पारिवारिक न्याय के पुरोधा बन चुके हैं। मीसा कहती हैं वो निजी तौर पर इस आरोप से आहत हैं। ऐसा कहने वालों से एक सीधा सा सवाल पूछती हैं। परिवार में मेरे, आप बताएं कि मेरी माताजी इलेक्शन लड़ी, चीफ मिनिस्टर थी, इलेक्शन लड़ते आई हैं, जनता ने उनको स्वीकार किया, फिर इलेक्शन जीती भी हैं, हारी भी हैं, तो परिवार से एक अगर आप कहें तो ये मेरा दुर्भाग्य है या मेरा सौभाग्य है कि मैं इस परिवार की बेटी हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? और मुझे इंटरेस्ट है अगर पॉलिटिक्स में आने का, तो मुझे कोई क्यों रोकेगा? और मतलब लोकतंत्र है, डेमोक्रेट कंट्री है इंडिया, तो अगर मैं, मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया भी है तो मैं ये इस जनता के बीच में जाऊंगी, इनको अच्छा लगेगा, मुझे पसंद करेंगे तो मुझे वोट करेंगे, नहीं पसंद करेंगे तो वोट आउट कर देंगे। दरअसल मीसा का ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, एक संकेत भी है। संकेत पिता के चुटीले और कई बार आक्रामक अंदाज से अलग होने का, मगर मीसा इसी अंदाज और पिता के आशीर्वाद के साथ अपने चुनावी क्षेत्र के दौरे पर निकली हैं। इलाका शहरी है, मगर मीसा ने शुरुआत की है गरीब गुरबों की गलियों से। मीसा भारती पाटलिपुत्रा की बेटी बहू अब जनता की अदालत में निकल गई है, निकल पड़ी है। जनता हमारी, ये हमारा सीट था, 10,000 से हमको नीतीश कुमार ने फोर्स टाइट करके हरवाया था। इसलिए तो मीसा को हम कह रहे हैं लालू की लाल। 5 साल पहले हारी पाटलिपुत्र सीट को वापस अपनी पार्टी के नाम करने का जिम्मा किसी और को नहीं दिया, अपनी बड़ी बेटी को दिया है। रामकृपाल यादव रूठे हैं इसी सीट के लिए, क्योंकि वो जब भी यहां से खड़े हुए उन्हें कोई हरा नहीं पाया। यहां तक कि लालू प्रसाद ने पिछले चुनाव में जोखिम लिया तो वो भी हार गए। 5 साल पुरानी वो हार आज भी लालू को सालती है, ऊपर से रामकृपाल यादव जैसे साथियों की बगावत। ये भस्मासुर साबित हुआ रामकृपाल यादव, लेकिन भस्मासुर भी स्वतः ऐसा कुदरत का चला कि वो भस्मासुर खुद भस्म हो गया, तो ये सब भस्म हो गया। मीसा को बखूबी अंदाजा है जीत की चुनौती और उसके लिए जरूरी सियासी समीकरणों का। इसके संकेत भी आप देख सकते हैं क्षेत्र के पहले दौरे में। मीसा की शुरुआत हुई मनेर से। इलाका यादव बहुल है, जो आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। पिता की तरह मीसा भी मनेर की गलियों में घूमती दिखी, एक बेटी के रूप में आशीर्वाद मांगती दिखी। मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 असेंबली सेगमेंट है, तो मैंने कहा एक बारी मैं अपना पूरा दौरा कर लूं एक बारी, और फिर नुक्कड़ सभाएं और फिर आम सभाएं जो होती हैं वो करूंगी मैं भी, और जनता के इश्यूज जान लूं मैं, मतलब एक बारी घूम के ना, कि हर एक जगह के लोकल लोग मतलब इश्यूज होते हैं, डिफरेंट इश्यूज होते हैं, तो मैंने कहा कि 6 असेंबली में क्या क्या वहाँ के इश्यूज हैं, फिर मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, अच्छे से बोल सकती हूँ। मनेर में पहले दिन के बाद मीसा यादव पहुंची फुलवारी शरीफ। मीसा की कोशिश थी जीत के एक और समीकरण को दुरुस्त करने की।
मीसा पहुंची इमारत शरिया के इमाम मौलाना सैयद निजामुद्दीन से मिलने। मीसा का इस्तकबाल भी वैसा ही हुआ जैसे पिता लालू प्रसाद यादव का होता रहा है। यानी सियासत के पहले सफर में पद चिन्ह तो पिता के ही आजमाती दिख रही है मीसा यादव, लेकिन पार्टी की रणनीति इस चेहरे के साथ अलग है। सवाल एक सीट का नहीं, एक नए पॉलिटिकल प्रोजेक्शन का है। मीसा भारती सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि पार्टी का एक वैकल्पिक चेहरा भी होंगी। इसका ऐलान खुद मीसा ने यह कहकर कर दिया था कि वो पार्टी के यंग फेस का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। राबड़ी के बाद मीसा भारती दूसरी ऐसी चेहरा होंगी जिसे पार्टी आने वाले चुनाव में चेहरे के तौर पर भुना सकती है। आरजेडी की सियासत में चेहरों की बात चलती है तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नाम ही आगे आते हैं। इसे लेकर विरोधी ताने भी कसते हैं। पार्टी में आए गए तो कई धुरंधर, लेकिन केंद्रीय कमान में कोई और चेहरा उभर नहीं सका। यही वजह है नीतीश कुमार जैसे पुराने साथी आरजेडी को लालू की फैमिली पार्टी कहकर चुटकी लेते रहे हैं। अब जो लालू ने तीसरा चेहरा आगे किया है वो भी अपने ही कुनबे का है। सवाल सिर्फ बेटी का नहीं, इस बार राबड़ी देवी को भी पहली बार संसदीय चुनाव में उतारा है। सीट दी है छपरा की, जहां लालू कभी जीत के पर्याय हुआ करते थे। चारा घोटाले में अभियुक्त साबित होने की वजह से लालू यादव खुद तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लिहाजा कोशिश है पार्टी के नए ट्रंप कार्ड आजमाने की। क्या मीसा भारती पार्टी का ट्रंप कार्ड हो सकती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लालू ने अपने परिवार से सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी मीसा को टिकट देकर एक चुनौती मोल ली है। अगर मीसा जीत कर आती है तो स्वाभाविक रूप से वो पार्टी का चेहरा बनने का दावेदार हो सकती है। मीसा यादव की चुनावी राजनीति में उतरने की मांग और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साही सुगबुगाहट कुछ वैसी ही रही है जैसी कांग्रेस में प्रियंका गांधी को लेकर हुआ करती है। मीसा को लेकर सस्पेंस भी कुछ वैसे ही रखा गया। चंद साल पहले तक मीसा यादव भी राजनीति में आने को लेकर सीधे मना करती रही। हालांकि सुर्खियों में वो 15 साल से हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, बल्कि मीसा को लेकर कुछ विवाद भी उठे थे। पहला विवाद तो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से MBBS की परीक्षा में टॉपर रहने पर। तब विरोधी दलों ने सवाल उठाया था कि जो लड़की कभी स्कूल में टॉप 5 में नहीं आई वो MBBS में टॉप कैसे कर सकती है। 1999 में मीसा की शादी हुई पटना के ही कंप्यूटर इंजीनियर शैलेश यादव से। बारात में इतनी धूमधाम थी कि मीसा की शादी बिहार की सबसे बड़ी शादियों में गिनी गई। शादी में बेहिसाब खर्चे को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस तक जारी कर दिया था। मीसा की ससुराल इसी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में है जहां से वो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। बात पुरानी हो चुकी है, सियासत की नई हवा चल रही है। जिस पिछड़ा समुदाय के मसीहा के तौर पर खुद को पेश करते रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उसके कई दावेदार चुनावी मैदान में हैं। घोषित तौर पर नीतीश कुमार तो पहले से ही हैं, अब बीजेपी के PM कैंडिडेट नरेंद्र मोदी भी अपने पिछड़ा होने की घोषणा करने लगे हैं, वो भी उसी बिहार की धरती पर जहां मीसा को चुनावी चाल बदलने की जिम्मेदारी मिली। तो जब ये मंडल की राजनीति हो रही थी, हमारा ये पिछड़ी दल का जो नेता, जो अपने आप पिछड़ी जाति का जो अपने आप को सदस्य बता रहे हैं, तो ये कहाँ थे उस समय? क्यों नहीं आए हम पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाने के लिए? आज सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए इनको पिछड़ी जाति का वोट दिया जाए, इसलिए पिछड़ी जाति की सिर्फ ये कि हमें वोट करो, हम पिछड़ी जाति से आते हैं। मीसा की नज़र और निशाना बेहद सीधा और साफ है। चुनौती OBC वोट बैंक में सेंध रोकने की तो है ही, मां राबड़ी देवी के साथ मिलकर नजर एक नए वोट बैंक पर भी है। वो है महिलाओं का वोट। बिहार के राजनीतिक इतिहास में संभवतः ये पहली बार हो रहा है जब किसी पार्टी का चेहरा दो दो महिलाएं बनी हैं। राबड़ी देवी तो मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, हालांकि इस रूप में वो चुनावी लहर नहीं बना पाई, पर लालू प्रसाद यादव को यकीन है बेटी बड़ा बदलाव ला सकती है। मीसा भारती का जन्म तब हुआ जब लालू यादव इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद थे और उन पर मीसा का कानून लगा था। इसी के आधार पर लालू ने इनका नाम मीसा रखा। यही मीसा भारती पाटलिपुत्र से अब पार्टी के उम्मीदवार हैं। पार्टी के भीतर चर्चा है और एक सवाल ये भी है कि क्या लालू की बड़ी बेटी उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो सकती है। चुनाव अभी दूर है, सो विरासत का सवाल भी अंधेरे में है, लेकिन एक सवाल तो फिलहाल चर्चा में है ही। दो बेटों को पार्टी के मोर्चे पर खड़ा करने के बाद लालू यादव ने उन्हें क्यों पर्दे के पीछे रहने दिया? दिखाएंगे बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए आज तक।
बड़ी बिटिया चुनावी समीकरणों में घिरती घटती सियासी साख को संबल देगी, ये लालू यादव के साथ राबड़ी देवी को भी उम्मीद है। इसी उम्मीद के सहारे तो पार्टी के अंदर बगावतों की भी परवाह नहीं की। ख्याल ये कि चेहरा नया होगा तो पार्टी की छवि भी नई बनेगी। 17 साल पहले लालू यादव ने यह तरकीब राबड़ी देवी को आगे कर भी लगाई थी। तब लालू यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, लेकिन चारा घोटाले में नाम सामने आते ही संकट दूसरा हो गया। खतरा जेल जाने का भी था और नैतिक तौर पर इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही थी। लालू अपने सियासी सफर में सबसे सख्त इम्तिहान का सामना कर रहे थे। लालू ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जनता की मांग का हवाला देते हुए शून्य सियासी अनुभव वाली पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। इस बात के लिए लालू की आलोचना हुई कि सत्ता मोह के आगे लालू ने सीनियर और समर्पित साथियों की परवाह नहीं की। लालू यादव ने जब राबड़ी देवी को आगे किया था उस वक्त भी पार्टी में असंतोष के स्वर उभरे थे, और अब जबकि मीसा भारती को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, ऐसे में एक बार फिर पार्टी में बगावत की स्थिति बन गई है। रामकृपाल यादव जो साय की तरह रहते थे लालू यादव के साथ, उन्होंने खुली बगावत कर दी है। इस चुनाव में मीसा को आगे किया है तो कमोवेश वजह भी वही है और बगावत भी कुछ उसी तरह की। चारा घोटाले में अभियुक्त होने की वजह से लालू चुनाव नहीं लड़ सकते। बेटी की जीत पुख्ता करने के लिए सुरक्षित सीट चुनी तो उस पर बवाल दुनिया के सामने है। इस फैसले के पीछे भी लालू यादव परिवार दलीलें वही दे रहा है, ये डिमांड जनता की है। पार्टी के हित में जो फैसला था और सब लोगों ने ये बोला, चाहे कार्यकर्ता हो पार्टी का या तमाम नेता पाटलिपुत्रा के या विधायक वहाँ के, सब लोगों ने कहा कि अपने परिवार से आपको टिकट देना है, तब कोई नहीं खड़ा होगा, तब सहमति बनेगी। तो लालू जी ने ये कदम उठाया सभी के अनुरोध पे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग हुई थी, रामकृपाल जी ने तो कुछ नहीं उठाया। सीट को लेकर विवाद हुआ तो मीसा यादव ने वो पहल की जो आरजेडी की सियासी परंपरा में शायद ही पहले कभी देखी गई हो। मीसा रामकृपाल यादव के घर गई, उनकी नाराजगी पर अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आ गई। पारिवारिक संबंध थे, इस नाते मैं गई थी उनसे मिलने, उनका आशीर्वाद लेने, लेकिन वो मिले नहीं मुझसे। मिलते तो मैं अपनी बात रखती, उनकी बात सुनती, वो अपनी बात बताने को तैयार ही नहीं है। ना वो पार्टी में बताने को तैयार है, ना वो आरजेडी अध्यक्ष से बात करने को तैयार है, ना मुझसे बात करने को तैयार है। रामकृपाल ठीक ही कहते हैं, भूल जाओ वो पुरानी बात, लिखो कोई नई कहानी। पाटलिपुत्र में होने वाला मुकाबला उसी नई कहानी की आहट दे रहा है। रामकृपाल तो इस इलाके के पुराने विजेता रहे हैं, मीसा भी ये साबित करने में जुटी हैं। लालू की सियासी लाल तो फिलहाल वही है।